लगाया हमने। अच्छा दूसरे लगा के हम देख लेते हैं, फाइल प्लेस और वो जीरा सा। नहीं देखो इसको हमने इस तरह ड्रैग किया, हाँ आप भी रख सकते हैं, मैंने ऐसे फैला दिया इसको, ऐसे ये आ गया। आपने ये उठाना है लिप्स और इधर रखना आपने इसको, यहाँ पर रख के इसको एडजस्ट कर। इस सर्कल के ऊपर आपने, शाइनिंग के ऊपर आपने वो मोबाइल वाली पिक्स आपने देनी है, फाइल प्लेस ये वाली, इसको ड्रैग कर, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग किया, बढ़िया। और शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज छोटा कर, एम्बेड करेंगे तो क्रॉस इस पिक्चर से ख़त्म हो जाएगा। फिर उठा के हम आ जाए फाइल प्लेस और बर्गर उठाना है हमें, ठीक है। बर्गर को भी आप ड्रैग करेंगे इस तरह और एडजस्ट करेंगे इस तरह से, आसपास ज़ीरा आ रहा है, पीछे शाइनिंग आ रही है। सेवर के आपको दिखाऊंगा, इधर आप देख लेना तो ज़रा डार्क डार्क सा नज़र आएगा आपको। ये देखिए इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है, ये पूरा बैकग्राउंड बना है सर। अब मैं इसको सारा सेलेक्ट करूँगा और लॉक कर देंगे आप इसको, ये सारी लॉक हो गई। अभी तंग नहीं करेगा हमें लिखाई करनी है। स्पेशल इसमें ये है कि टेक्स्ट स्टाइल है बहुत ही ज़बरदस्त, क्लिक किया यहाँ पे, मैं क्लिक करता हूँ, साइज़ में बढ़ा देता हूँ इसका, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ स्पेशल बर्गर, कैपिटल लेटर में लिखना इसको स्पेशल, टाइप किया यहाँ पर एडजस्ट किया, वाइट कलर का देंगे आप इसको स्पेशल। मैंने बताया कि इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है CATT कैप्चर IT कैप्चर इट, यानी कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, परफेक्ट है, ज़बरदस्त है, एज ए लोगो के लिए इस्तेमाल कर सकते। इसको अल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी उतार लो नीचे और यहाँ पे डबल क्लिक करके बर्गर सेलेक्ट करो, BURGER बर्गर। इसको आपने रेड कलर में करना है, ये मैंने रेड कलर में कर दिया, थोड़ा सा साइज कम कर ले। साइज थोड़ा सा बैठ जा, भी क्या अपनी मारने दे, बैठ जा, क्योंकि तरीका है तुम्हें एहतराम है, ये देखो तुम्हें बार बार समझाना पड़ता है, ये भी रिकॉर्ड हो गया, जब आप वीडियो देखोगे ना तो सीरियस हो क्या। एक तो आप लेडर और फखर ताड़ी मार रहे हो, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, मैं आपको तालीम दे रहा हूँ, इस तरह तो नहीं करते ना। ये मैंने टाइप किया, अल्ट के साथ इसकी भी कॉपी यहाँ पर रखेंगे आप, इसमें आप लिखेंगे HOTTEST और टेस्ट प्रोमो PROM ये लिखा होगा। प्रोमो मीन्स यानी प्रोडक्ट वगैरह ही होती है, यानी कि ज़बरदस्त किस्म की हमारी आइटम, यानी कि बर्गर प्रोडक्ट वगैरह इस तरह। तो इसको भी मैं सेलेक्ट करके ज़रा सेट कर लेता हूँ, साइज छोटा रख लेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे आएंगे हम रेक्टेंगुलर लेके ड्रैग करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके कॉर्नर थोड़े से राउंड कर देंगे और इधर टाइप कर देंगे क्या, कर्सर किधर है,
बड़ा छोटा साइज का, यहाँ पर लिखेंगे फ्री होम डिलीवरी, ये टाइप कर फ्री होम डिलीवरी इस तरह टाइप कर, साइज छोटा, ये भी आप फोन स्टाइल यही रखेंगे इसके ऊपर। मैं फोन स्टाइल यही रखूँगा, चेंज नहीं करूँगा, मैं ये कह रहा हूँ। और इसका कलर चेंज हम करेंगे, यहाँ पे रेड कर देते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चेंज कर देते हैं मेरा ख्याल, क्या चीज़ ये लगा देते हैं। ये ठीक है, नीचे आ जाओ, इसे कॉपी कर लो आप। इधर भी आपने रेक्टेंगुलर ले लेना, इसका साइज कर लेंगे छोटा। और यहाँ पे आप क्या टाइप करेंगे, टाइप कर देंगे आप यहाँ पे, एक तो कलर चेंज करेंगे पहले इसका, ऑर्डर नाउ, उर्दू में नहीं इंग्लिश, ये टाइप कर। मुश्किल नहीं है, मैं कितनी बार आपको ये नहीं बात करूं, एक कंटेंट आपने इकट्ठा करना होता है। एक शॉप से आपको ऑर्डर मिला है, आपको ऑर्डर मिला है, आप उसकी डिटेल सारी लिख लेंगे इसी तरह, ठीक है। और अब एक पिक्चर लगी है उस फूड पे, फूड वाली शॉप पे, आप जस्ट पिज़्ज़ा मिलता है सिर्फ, अब पिज़्ज़े वाली जो हमने बैनर, फ्लैक्स बैनर जो भी है वो बनाना है, लोगो बनाना है, बैनर बनाना है, कार्ड बनाना है, कुछ भी बनाना है, कंटेंट इकट्ठा करके आपने बस बनाना है, बस और तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है यार। टूल्स की समझ आ जाती है तो फिर सारा कुछ समझ में आ जाता है। ये लिखा, अब मैं इस पर लॉक हटा देता हूँ। मैंने एक सेलेक्ट करना है बर्गर, एक सेलेक्ट करना है मोबाइल, ये सिलेक्ट करके इफेक्ट्स पे जाओ, स्टाइलाइज पे जाकर ड्रॉप शेडो पे क्लिक करो, ये साइज़ यही आ जाए, ये साइज़ आपने ज़ीरो रखना है, ये बाकी है। और आप इसको